ओके गाइस, तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास में हम कवर करेंगे एक तो राउटिंग पॉलिसी प्लस फायरवॉल फिल्टर्स। ठीक है, राउटिंग पॉलिसी और फायरवॉल फिल्टर्स कवर करेंगे ये दो टॉपिक। अगर टाइम मिलता है तो फिर क्लास ऑफ सर्विस भी कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं राउटिंग पॉलिसी से। इसके अलावा मैंने चेक किया था, एक बच रहा है आपका जे वेब। ठीक है, मतलब जूनिपर राउटर है उसका एक्सेस लेना है आपको, इस पे ब्राउज़र पे। उसके लिए जो प्रैक्टिकल है बस वो बच रहा है। ठीक है, इसके लिए ऐसा करूँगा, एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा चैनल पे और आपको भी दे दूँगा। ये भी हो सकता है, या फिर क्लास जब भी रखूँगा तो इसको जे वेब को कर लेंगे। ठीक है, तो इनको ख़त्म करते हैं, राउटिंग पॉलिसी और ये सब। ठीक है जी, तो बेसिकली राउटिंग पॉलिसी से क्या समझ में आता है, पहला पॉइंट ये। राउटिंग पॉलिसी जैसे आपने पढ़ा होगा जी, प्रीफिक्स लिस्ट और क्या बोलता था, राउट फिल्टरिंग, ऐसी टर्म्स आपने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी। प्रीफिक्स लिस्ट होती है और राउट फिल्टरिंग होती है, किसी पर्टिकुलर राउट को फिल्टर करवाना। ठीक है, तो बेसिकली राउटिंग पॉलिसी के अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, ये जो होती हैं। ठीक है, इसके अलावा सी मैप बनाना, पॉलिसी मैप बनाना, ये सारी चीज़ें किस में आती है, राउटिंग पॉलिसी में। ऐसे जूनिपर में भी क्या है, राउटिंग पॉलिसी का कंसेप्ट है कि आप किसी पर्टिकुलर राउट को क्या कर सकते हो, राउटिंग पॉलिसी लगा के फिल्टर। ठीक है, आज जो हम टोपोलॉजी लेने वाले हैं वो है हमारी, ये वाला नेटवर्क डिज़ाइन होने वाला है। एक R1 है, दो राउटर हैं जो किससे कनेक्टेड है जी, इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे चल रहा है 192.168.43 का नेटवर्क, ये है आपका 113 और इसको हम रख लेंगे जी 100। ठीक है, तो आपको इंटरनेट रीचेबिलिटी मिलेगी। साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, एक R1 राउटर है हमारे पास, इन दोनों के बीच में कोई एक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर लेंगे, या और यहाँ से क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट राउट करवा देंगे टूवर्ड्स इंटरनेट, सो दैट हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलना शुरू हो जाए। राइट, और इसको आप कह सकते हो कि ये क्या है आपका यूज़र, ऐसा कह सकते हो। और सारी जो भी फिल्टरिंग करवाएंगे हम इस वाले राउटर पे फिल्टरिंग करवाएंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, किसी राउट को फिल्टर करना है जो भी है, यहाँ से आते हुए जो भी राउट्स हैं इनको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे का काम, और चलते हैं आपके राउटिंग पॉलिसी पे। देखो, थ्योरी बाय थ्योरी आज नहीं पढ़ने वाले आज की क्लास में हम। ठीक है, मतलब राउटिंग पॉलिसी को लेके, फायरवॉल फिल्टर्स को थोड़ा मैं डेप्थ में लेके चलूँगा, तो हम थ्योरी कवर करेंगे उसके अंदर काफ़ी कुछ। ठीक है, राउटिंग पॉलिसी मैं करवा देता हूँ आपको क्विकली। तो देखो जी, राउटिंग पॉलिसी जैसे ये मैप दिखता है आपको, राउटिंग पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, तो देखो क्या होता है। मान लो कि आपका एक राउटर है, राउटर के अंदर क्या होता है, एक राउटिंग टेबल बनती है और दूसरी क्या बनती है, फॉरवर्डिंग टेबल। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक राउटर, ये आपका एक राउटर है, राउटर के अंदर दो तरह की टेबल है। अब राउटर के इस तरफ कौन कनेक्टेड है, नेबर्स कनेक्टेड है, जो नेबर राउटर्स होते हैं, और क्या चल रहा होता है उन राउटर्स के अंदर, प्रोटोकॉल। तो माना कि यहाँ पे भी क्या है, एक राउटर है जो कनेक्टेड है किससे, इस राउटर से। ठीक है, अब इस राउटर से कनेक्टेड है, और नेबर राउटर से हमें क्या मिल रहे होते हैं जी, राउट्स, क्या मिलते हैं, राउट्स। और जो हमारा ये राउटर है, इसके साइड में, राइट साइड में क्या होता है, राउट होते हैं, फिर क्या होते हैं, आगे राउटर के आगे क्या होते हैं, वापस से और लगे रहते हैं नेबर्स, जिनके अंदर प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं और जिनको क्या मिल रहे होते हैं, राउट्स। या तो आपके थ्रू आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उन राउट्स को
यहाँ से इंपोर्ट कर रहे होते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, मोस्टली यही होता है, एक इंटरफेस इंपोर्ट कर रहा होता है, एक इंटरफेस से आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो या फिर आगे कनेक्टिविटी सेंड कर रहे होते हो, आगे जो भी नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे होते हो, राइट। तो यही होता है मोस्टली, एक राउटर, ये आपका दूसरा राउटर और ये तीसरा राउटर, यही होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक फंडा होता है जी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, ठीक है। अब मैं एक राउटिंग टेबल की बात करूँ तो जितनी भी आप पॉलिसी लगाते हो ना, राउटिंग पॉलिसी जो भी लगाओगे वो किस में लगेगी जी, राउटिंग टेबल के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। मतलब आप सारी छेड़खानी किससे करने वाले हो, राउटिंग टेबल पे। राउटिंग टेबल का बेसिकली काम क्या है, राउटिंग टेबल का सोर्स क्या होता है, ये जो नेबर होते हैं यहाँ से जो राउट्स आ रहे हैं वो होता है राउटिंग टेबल में आते हैं वो सारे राउट्स। इसके अलावा राउटिंग टेबल से क्या होते हैं, आउट होते हैं, किसके लिए, किसी नेबर के लिए सारे राउट्स आउट होते हैं। इसके अलावा राउटिंग टेबल किसको राउट्स देती है, फॉरवर्डिंग टेबल को, ठीक है। तो एक बात ये है, दूसरा बात ये है, दो जनों को क्या करती है, सेंडिंग, ठीक है, दोनों को क्या करती है, सेंडिंग हमारी कौन, राउटिंग टेबल, ठीक है जी, और इंपोर्ट करती है यहाँ से, ठीक है। तो यही इस चीज़ का फंडा है, कहने का मतलब यह है इंपोर्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट पॉलिसीज कंट्रोल द राउट, ठीक है, इम्पोर्शन इनटू राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल में जो राउट्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है, एक्सपोर्ट पॉलिसी कंट्रोल द राउट एक्सपोर्शन फ्रॉम द राउटिंग टेबल, ठीक है, राउटिंग टेबल से एक्सपोर्टिंग करती है और राउटिंग टेबल में सारे राउट्स इंजेक्ट होते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ से अगर कोई नेटवर्क आता है एक 10.1 का स्लैश 8 का, आपने क्या करा, राउटिंग पॉलिसी इसमें लगा दी कि भैया 10.1/8 को क्या करना है, ड्रॉप। यहाँ से 10.1 आ रहा है, 172.16/24 भी आ रहा है एक, ठीक है, दो राउट आ रहे हैं, ये दोनों राउट इस राउटिंग टेबल में आए, यहाँ पे क्या मैच हुई, पॉलिसी, और वो पॉलिसी मैच हुई, और जब एक्सपोर्ट हुआ राउट तो कौन सा राउट होगा, सिर्फ एक /24, सिर्फ एक ही राउट को आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट, ठीक है, और इंपोर्ट क्या कर रहे हो आप, 172 को और 10 वाले को। हमने ये पॉलिसी लगा रखी थी, तो ये पॉलिसी कैसे चेक होती है, क्या चेक होती है, इसकी बात करेंगे, क्या फंडा है, ठीक है। तो सेम गोज फॉर जूनोस, जूनोस के अंदर भी ये सारे काम होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे पॉलिसी का। अब देखो यार, कोई भी पॉलिसी अगर आप बनाते हो अपने राउटिंग टेबल में, तो क्या पॉलिसी बनाओगे, एक तो बनाओगे जी या तो किसी नेटवर्क को क्या किया जाए, एक्सेप्ट, या तो क्या कर सकते हो आप, किसी किसी को एक्सेप्ट कर सकते हो, किसी रूट को, या फिर क्या कर सकते हो, क्या बता सकते हो पॉलिसी में कि भैया कोई राउट आ रहा है तो उसको क्या करना है, रिजेक्ट। तीसरा क्या ऑप्शन होता है कि अगर कोई राउट आ रहा है 10 की मैट्रिक लेकर के, पॉलिसी बना दूं कि भैया 10 की मैट्रिक ला रहा है तो यहाँ से तेरे को मैट्रिक कितनी कर देनी है, 15, तो आगे कितनी, 15 मैट्रिक इसको क्या हो जाएगी, एक्सपोर्ट, ऐसा भी होता है। तो तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई, तीन काम कर सकते हैं पॉलिसी से, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड मॉडिफिकेशन। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं, कुछ मैंने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, ऑलरेडी इनको यूज में ले लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं नोटपैड यहाँ पे। ठीक है जी, ये है नोट्स राउटिंग पॉलिसी के, ये मेरे से आप ले लेना। राउटिंग पॉलिसी गिव्स अस पावर फॉर एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग एंड मॉडिफाइंग एनी राउट्स, ठीक है। राउटिंग पॉलिसी से हमें क्या पावर मिलती है, राउटिंग पॉलिसी लगा के हम किसी पर्टिकुलर राउट को एक्सेप्ट करवा सकते हैं, रिजेक्ट भी करवा सकते हैं और मॉडिफाई भी करवा सकते हैं,
ठीक है। अब बात आती है कि आपकी अगर राउटिंग टेबल है, राउटिंग टेबल में क्या हो रहा होता है, या तो इंपोर्ट हो रहे होते हैं राउट, या फिर क्या हो रहे होते हैं जी एक्सपोर्ट, दो चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट पॉलिसी क्या करती है, इंपोर्ट पॉलिसी बेसिकली क्या करती है, क्या इफेक्टिव करती है आपके लोकल जो डिसीजंस होते हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट पॉलिसी में क्या होता है, लोकल डिसीजन को तो इफेक्ट करती है, मतलब इस यहाँ से अगर मान लो फॉरवर्डिंग टेबल कनेक्टेड है आपकी, तो आपके लोकल डिसीजन मतलब फॉरवर्डिंग टेबल को तो इफेक्ट करेगी करेगी, साथ ही साथ क्या करेगी, इधर जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं जितने भी, इनको भी इफेक्ट करेगी ये, ठीक है। कौन सी, एक्सपोर्ट पॉलिसी। इंपोर्ट पॉलिसी होती है, एक एक्सपोर्ट पॉलिसी होती है, ठीक है। इंपोर्ट पॉलिसी मतलब इंपोर्ट होने वाले राउट्स को इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये दो ही तरह की मोस्टली पॉलिसी हैं, या तो आप किसी इंपोर्ट होने वाले राउट को क्या करोगे, पॉलिसी लगा के ड्रॉप या फिर एक्सेप्ट, या फिर कोई एक्सपोर्ट होने वाली पॉलिसी को क्या करते हो आप, एक्सेप्ट या फिर डिनाई, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, इससे अलग कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं जी, देखो रिप के अंदर हमने, जब हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल किया था, उस टाइम रिप में हमने देखा था जी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, ये चीज़ें देखी थी, बट हमने लास्ट टाइम रिप का प्रैक्टिकल स्किप किया था, राइट। तो देखो वैसे रिप पूछा नहीं जाता है, और रिप कवर करना ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट हम कर लेते हैं उसको भी, ठीक है। तो रिप में भी क्या होता है, बेसिकली आप क्या करते हो, जब रिप इनेबल करते हो तो रिप में भी क्या कर सकते हो आप, इंटरफेस बता सकते हो, प्रैक्टिकल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल बात करते हैं कि इन पॉलिसी को लेकर के, इन प्रोटोकॉल्स, जैसे एक रिप प्रोटोकॉल है हमारे पास, OSPF और BGP, इन तीनों प्रोटोकॉलों का क्या बिहेवियर होता है इन पॉलिसीज़ को लेके, ठीक है। जो भी आप राउटिंग पॉलिसी लगाते हो इसको लेके क्या बिहेवियर होता है, ठीक है। तो अगर रिप के केस में अगर आप पॉलिसी लगाते हो, तो क्या होता, इम्पोर्ट पॉलिसी को ही लगाते हो, तो क्या इसका क्या मतलब होता है, सारे राउट्स को क्या करना है, एक्सेप्ट, ठीक है। अगर कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी लगाते हो तो क्या करना है, रिजेक्ट ऑल, मतलब क्या चल रहा है, रिप रिप और रिप चल रहा है मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है जी इम्पोर्ट, और यहाँ से क्या हो रहा है एक्सपोर्ट, यहाँ से राउट इम्पोर्ट हो रहे हैं और यहाँ से राउट क्या हो रहे हैं जी एक्सपोर्ट। मतलब इम्पोर्ट पॉलिसी क्या बोलती है, जब अगर आप रिप लगाते हो तो क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, यहाँ से सारे के सारे क्या करना है जी एक्सेप्ट, ठीक है। और एक्सपोर्ट पॉलिसी अगर आप लगाते हो किसी तरह की, तो वो एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या करती है, बाय डिफ़ॉल्ट रिप का बिहेवियर ये होता है, अगर कोई रिप में आप एक्सपोर्ट पॉलिसी लगा दोगे तो वो एक्सपोर्ट को क्या कर देगी, रिजेक्ट ऑल, ठीक है, रिजेक्ट करेगी। कैसे, इसको भी समझेंगे आगे, ठीक है। जस्ट एक बिहेवियर है, थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। OSPF की बात करें तो OSPF का इम्पोर्ट पॉलिसी में क्या बिहेवियर होता है, देखो इम्पोर्ट पॉलिसी अगर कोई लगाते हो तो एक्सेप्ट ऑल एंड पुट इट इनटू INET 0। INET 0 का मतलब यार जो भी आपका इंटरफेस है इधर, ठीक है, या फिर IPv4, INET टेबल बनती है ना जो आपकी IPv4 वाली, उसमें डाल देगा इन सारे राउट्स को, जो भी जिनको भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट ऑल एंड पुट इट इनटू IPv4 टेबल या फिर राउटिंग टेबल जो भी है। अब देखो इसमें क्या, OSPF अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें ना एक एक्सेप्शन होता है। क्या एक्सेप्शन होता है, कि अगर आप कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाते हो या फिर कोई राउट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो क्या करता है, रिजेक्ट ऑल तो करता ही करता है, उन राउट्स को रिजेक्ट करता है, ठीक है, मतलब उनको सेंड नहीं करेगा आगे, शेयर नहीं करेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, OSPF हमारा क्या है, एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली एक LSDB, लिंक स्टेट डेटाबेस को क्या करता है, मेंटेन, लिंक स्टेट डेटाबेस को क्या करता है, मेंटेन हमारा OSPF। तो इसके अंदर क्या है, एक्सपोर्ट पॉलिसी में एक क्या है, लीकेज कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि
इन्होंने एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाते टाइम में ये डिफाइन किया है कि भाई अगर LSDB पैकेट होंगे वो क्या होते रहेंगे, सेंड हमेशा, ठीक है। एक्सपोर्ट पॉलिसी अगर डिफ़ॉल्ट लगाते हो तो ठीक है, क्या होते रहेंगे, शेयर सेंड होते रहेंगे। जो LS के जैसे आपके जो पैकेट होते हैं ना LSDB के लिए, जैसे LSR, LS अपडेट आता है और LS एक्नॉलेजमेंट आता है, तो LSA के जितने भी पैकेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे जी, वो एक्सपोर्ट होते रहेंगे ये पॉलिसी लगाने के बाद भी, एक्सपोर्ट पॉलिसी लगाने के बाद भी, ठीक है। अब सेम गोज़ फॉर BGP ऑलमोस्ट। BGP में क्या है, इंपोर्ट पॉलिसी तो सेम है, इंपोर्ट करके अपनी राउटिंग टेबल में डाल लो। एक्सपोर्ट पॉलिसी में क्या है, रिजेक्ट ऑल, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एक एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन में क्या है, एक्सेप्ट एक्टिव BGP राउट्स, ठीक है। BGP राउट्स को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है जी। तो हम बेसिकली वैसे इसका BGP कवर नहीं करने वाले, जूनिपर का, राइट। लेकिन पॉलिसी की बात थी इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया, राइट। एक्टिव BGP राउट्स को एक्सेप्ट करना है। एक चीज़ और होती है, देखो IGP ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर EGP, या फिर कह सकते हो कि OSPF ऑलवेज प्रिफर्ड होगा BGP से पहले, ठीक है। ऐसा होता है बाय डिफॉल्ट। सेम यहाँ पे भी यही होता है फंडा। तो ये पॉलिसी की बात है, कुछ ये एक दो पॉइंट थे। अब क्या है जी, आपने OSPF पढ़ लिया, BGP पढ़ लिया। अब देखो जी, पॉलिसी आप कैसे बनाओगे, ठीक है। पॉलिसी बनाने की बात करते हैं, कैसे बनेगी। देखो जी, पहला काम ये कि एडिट, एक तो क्या करोगे आप, एडिट पॉलिसी हाइफन ऑप्शंस, और फिर लिखोगे पॉलिसी हाइफन स्टेटमेंट, ये टाइप करेंगे। इसके बाद क्या बताएंगे जी, आपकी बताएंगे पॉलिसी, ठीक है। मान लो आपने एक पॉलिसी बनाई, माई पॉलिसी वन, ठीक है। इसके अंदर आना है पहले, इस मोड में। उसके बाद पॉलिसी डिफाइन करनी है, पॉलिसी का ना माई पॉलिसी का नाम बताना है, ठीक है। कौन सी बनाई मैंने, वन। अब देखो जी, कोई भी पॉलिसी बनाते हो ना तो क्या चलता है, इफ एंड देन स्टेटमेंट, ठीक है। चाहे यहाँ पे हो, चाहे फायरवॉल्स में हो, चाहे कहीं भी हो, ठीक है। बेसिकली प्रीफिक्स लिस्ट हम जो बनाते थे उसमें भी ऐसे ही डिफाइन करते थे। स्टेटमेंट हमेशा यही रहता है, इफ एंड देन, मतलब इफ, यहाँ पे क्या लिखा है, R1, इफ एनी राउट कमिंग फ्रॉम R1, देखो क्या बताया आपने, R1 बताया, फ्रॉम कैसा राउट, कोई रेप राउट आ रहा हो, या फिर कौन से नेबर से, फ्रॉम नेबर 101 से, ठीक है। तो क्या बता रहे हो आप, फ्रॉम, यहाँ पे भी क्या बता रहे हो, फ्रॉम, इफ एनी राउट कमिंग फ्रॉम R1, ठीक है, फ्रॉम रेप, या फिर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नेबर, देन क्या करना है, एक्सेप्ट, या फिर क्या करना है, रिजेक्ट, या फिर क्या करना है, मॉडिफाई। तीन एक्शन ले सकते हो आप, ये राउट अगर आपके पास आता है तो। ये कौन सी पॉलिसी हुई, बेसिकली इंपोर्ट पॉलिसी, मतलब कोई राउट आपके पास आ रहा है किसी और डिवाइस से, ठीक है। तो इस क्या हो गई, किस तरह की पॉलिसी है जी, इंपोर्ट पॉलिसी, ठीक है। इफ एंड देन स्टेटमेंट समझ में आया। कभी भी देखो, कोई पॉलिसी बनती है, चाहे ये डिवाइस हो चाहे कोई सा भी डिवाइस हो, आप हमेशा इफ एंड देन स्टेटमेंट का ही यूज करते हो पॉलिसी बनाते टाइम। ये पॉलिसी हम बना के देख लेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ वर्कबुक ले लेंगे कोई, और वर्कबुक के कुछ फायरवॉल फिल्टर्स और ये वाले हम प्रैक्टिकल कर लेंगे। अब देखो जी, अब आपको लग रहा होगा यार ये पॉलिसी है तो फिर फायरवॉल फिल्टर क्या है,
फायरवॉल फिल्टर बेसिकली क्या है, ACL। अब ACL देखो कैसी कैसी होती थी, एक होती थी एक स्टैंडर्ड होती थी और एक होती थी जी एक्सटेंडेड। अब स्टैंडर्ड में क्या कर रहे थे आप, किसी नेटवर्क, पर्टिकुलर नेटवर्क को या फिर किसी पर्टिकुलर आईपी को क्या कर रहे थे, फिल्टर। फायरवॉल फिल्टर में भी सेम कंसेप्ट है, या फिर एक्सटेंडेड में क्या कर रहे थे, नेटवर्क और आईपी के तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ किसको कर रहे थे आप, किसी पर्टिकुलर पोर्ट नंबर की रिक्वेस्ट को फिल्टर। ये तो दोनों कर ही रहे थे, और पोर्ट नंबर की रिक्वेस्ट को भी फिल्टर कर सकते थे किसमें, एक्सटेंडेड एसीएल में। ठीक है जी, अभी चलते हैं आगे। ये बात हो गई है सारी क्लियर। पॉलिसी बनाना आ गया। देखो पॉलिसी, हमने पॉलिसी स्टेटमेंट दे करके एक पॉलिसी बनाई, माई पॉलिसी। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में क्या दिखाया, पॉलिसी वन। सेकंड, अब क्या कर सकते हो आप, राउटर ऐसे डिफाइन कर सकते हो, टर्म R1, टर्म R2। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक से ज़्यादा चीज़ें मैच, एक एक सिंगल पॉलिसी के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें बता सकते हो। मतलब ये कि अगर चाहते हैं जी, हमें ये ठीक है, तो जैसे मान लो आपके पास क्या है जी, माई पॉलिसी वन, माई पॉलिसी टू, माई पॉलिसी थ्री। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, तीन पॉलिसी बना रखी है, जैसे मैंने एक डिवाइस पे एक टर्म डिफाइन कर रखी है जिसमें क्या बता रखा है, रिप फिल्टर करना है और एक 10.1/8 का नेटवर्क करना है। इसके अलावा क्या क्या कर दी मैंने, एक और टर्म डिफाइन कर दी। ठीक है, इसमें क्या कर दिया जी, मैट्रिक 10 कर देना। ठीक है, इसके बाद क्या करा, एक और टर्म डिफाइन करी, टर्म थ्री। इसके अलावा एक पॉलिसी और बनाई, इसमें क्या करा मैंने, टर्म वन, टर्म टू और TERM टर्म थ्री, वन टू टर्म थ्री। ठीक है, मान लो आपने क्या करा, एक डिवाइस है उसके अंदर तीन पॉलिसी बना दी, जहाँ पे इधर तुमने मैट्रिक 10 बता दी, तो मान लो इधर तुमने मैट्रिक 15 बता दी और इधर तुमने मैट्रिक कितने बता दी, 4। ठीक है, आपने क्या करा जी, मैट्रिक बता दी यहाँ पे, राउटिंग टेबल के अंदर आपने चार तीन पॉलिसी बनाई, तीन पॉलिसी के हर पॉलिसी के अंदर तीन तीन टर्म डिफाइन कर दी। अब मान लो ये राउटर या फिर आपका क्या है, यहाँ पे एक नेटवर्क है 10.1.1.1/8, क्या आता है, तो ये किसको हिट करेगा, सबसे पहले क्या चेक करेगा, पहले पॉलिसी वन को चेक करेगा, फिर क्या चेक करेगा, रिप चेक होगा, ये चेक होगा। अगर ये पास करता है तो आगे चलेगा, नहीं पास होता है तो ड्रॉप हो जाएगा, अगर मैच होता है तो। टर्म वन को मान लो कि मैच हो गया, ठीक है, माना कि ये मैच हो गया, तो क्या होगा, टर्म टू के पास पास हो जाएगा। जैसे ही टर्म टू के पास पास होगा, वैसे ही क्या होगा, जैसे ही टर्म टू के पास में ही जैसे ही पास होगा, तो टर्म टू पे आते ही क्या बोलेगा जी, यहाँ पे कितनी मैट्रिक करनी है मुझे, 10। तो जो ये राउट आया होगा, इसकी मैट्रिक कितनी कर देगा, 10। ठीक है, अब क्या होगा, ये यूं जाएगा और किसको चेक करेगा, मैट्रिक टू को। ये फ्लो है, एग्जैक्ट फ्लो पॉलिसी का।
ठीक है, ये फ्लो है, इसी तरह से फ्लो होता है। फिर क्या माय पॉलिसी में जाओगे, फर्स्ट टर्म चेक होगी, पास हो जाएगा, अगर मैच हो किसी से मैच होगा तो मैच होना होगा, कहीं ड्रॉप, अगर मान लो यहाँ पे एक्सेस लिस्ट लगा रखी, सॉरी पॉलिसी लगा रखी है ड्रॉप करने की, तो ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे, ये सब जगह पास हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि अभी कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, पास, इन सबको चेक करता हुआ फिर मैट्रिक पे आएगा। मैट्रिक क्या बोलेगा, वहाँ से कितनी मैट्रिक लेके आ रहा होगा, 10, और यहाँ पे आके कितनी बोल रहा है, 15, तो यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसकी मैट्रिक कितनी हो जाएगी इस राउट की, 10-11 की मैट्रिक हो जाएगी 15। इसके बाद ये जा करके चेक करेगा जी पॉलिसी थ्री चेक करेगा, टर्म टू चेक करेगा, तो मैट्रिक कितनी बता रखी है हमने, 4, ठीक है, तो कितनी लेके आ रहा था, 15, यहाँ पे कितनी बता दी, 4। तो जब ये एक्सपोर्ट होगा राउट, किसी साथ वाले नेबर को भेजा जाएगा, जब इसकी मैट्रिक कितनी चली जाएगी, 4, कितनी मैट्रिक लग के जाएगी, 4, ना ही ये 10 लगेगी ना ही ये 15 लगेगी। ठीक है जी, कहने का मतलब ये है कि आपकी पॉलिसी का सीक्वेंस हमेशा ये रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं रहेगा कि आपने यहाँ पे 10 लगा दी थी तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 10 जाएगी एक्सपोर्ट होते टाइम, ऐसा नहीं होगा, आपकी थर्ड पॉलिसी में जो डिफाइन होगी ना वो जाएगी सर। ये मैट्रिक के केस में होता है, बाकी चीज़ों में नहीं है। ठीक है, तो जस्ट ये कह सकते हो कि ये फ्लो है आपकी पॉलिसी किस तरह से चेक करता है राउटर, इसका फ्लो है ये। अभी चलते हैं आगे, ये थी बात इसके फ्लो की कि पॉलिसी कैसे चेक होती है जी। देखो फायरवॉल एक्सेस लिस्ट आप ACL बनाते हो ना, तो उसके अंदर भी ऐसी चेकिंग होती है जैसे ये सीक्वेंस है। दो एक्सेस ले रखेंगे यहाँ से, चलो इसको बाद में लॉगिन करते हैं, आगे चलते हैं। राउटिंग पॉलिसी की बात करते हुए आगे चलेंगे तो फिर देखो प्रीफिक्स लिस्ट कैसे बनाते हैं। राउटिंग पॉलिसी तो मैंने बता दिया आपको कैसे बनेगी, प्रीफिक्स लिस्ट की बात करते हैं। देखो जी प्रीफिक्स लिस्ट में आप क्या क्या मैच करवा सकते थे, जब भी आप कोई प्रीफिक्स लिस्ट बनाते थे, ठीक है जी, मान लो प्रीफिक्स लिस्ट आप कोई भी बनाते थे तो क्या कर सकते थे, देखो तीन काम कर सकते थे, 1, 2, 3, ये वाले नहीं है, ये वाले, तो ये तो बना रखा है जी प्रीफिक्स लिस्ट कैसे बना सकते हो आप, पहला पॉइंट ये बता रखा है। तो सेट पॉलिसी ऑप्शंस, प्रीफिक्स लिस्ट, और आप नेटवर्क डिफाइन कर सकते हो आगे, ठीक है, इस तरह से आप क्या बना सकते हो अपनी प्रीफिक्स लिस्ट। अब प्रीफिक्स लिस्ट का फंडा यार क्लियर है, देखो मतलब कि मतलब मानो आपके पास में कितने प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, मान लो 10/1/8 आ रहा है, 192.168.100 आ रहा है, /24 आ रहा है ना, मान लो एक नेबर है ये वाला, ये तीन राउट्स किसको दे रहा है, R1 है या R2 है, R1 किसको दे रहा है, ये तीनों राउट्स R2 को दे रहा है, तो आप अपने क्या करोगे, एक प्रीफिक्स लिस्ट बना लोगे, और प्रीफिक्स लिस्ट को कहाँ पे अप्लाई कर दोगे, यहाँ पे, या फिर इस राउटर पे प्रीफिक्स लिस्ट लगी जाएगी। ठीक है, प्रीफिक्स लिस्ट से आप क्या कर सकते हो, प्रीफिक्स लिस्ट जैसा नाम से समझ में आता है, प्रीफिक्स को, पर्टिकुलर प्रीफिक्स को फिल्टर करवाना। प्रीफिक्स लिस्ट मैं बनाऊँगा कैसे, सेट पॉलिसी ऑप्शंस, प्रीफिक्स हाइफन लिस्ट, उसके बाद क्या बताओगे जी, आपका नेटवर्क कौन सा आपको हटाना है, नेटवर्क, ठीक है, कौन सा नेटवर्क हटाना है आपको, 172.16/16 वाला, मान लो ये नेटवर्क रिमूव करना है, तो ये प्रीफिक्स लिस्ट इसमें डाल दी, अब क्या होगा, सिर्फ ये दो राउट होते हैं जो किस में आएंगे जी, आपकी राउटिंग टेबल में, ठीक है, बाकी ये इसका नेटवर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप। तो बेसिकली प्रीफिक्स लिस्ट का ये काम है, ठीक है,
मुझे लगता नहीं है कि इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, प्रीफिक्स लिस्ट का बहुत ही सिंपल फंडा है। बट हाँ, राउट फिल्टर्स थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, राउट फिल्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जी, राउट फिल्टर यहाँ पे लगाना होता है तो क्या करना होता है, जूनिपर के केस में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, एग्जैक्ट और लॉन्गर या फिर लॉन्गर, और एक होता है अप टू। अब देखो, राउट फिल्टर लगाना है, राउट फिल्टर मतलब यार वही प्रीफिक्स लिस्ट है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब देखो कैसे लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी राउट को फिल्टर कर रहे हैं हम प्रीफिक्स लिस्ट लगा के। ठीक है, मान लो आपके पास एक नेटवर्क है 10.0.0.0/8 का। ठीक है, क्या बोलता है, या तो आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर एग्जैक्ट को फिल्टर करवा सकते हो। इसको क्या करना है, क्या कीवर्ड यूज़ करोगे आप, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ करोगे तो क्या करेगा, बिल्कुल सेम मैच करेगा और सेम नेटवर्क को क्या कर देगा, ड्रॉप। एक कीवर्ड होता है जी ऑल लॉन्गर। ऑल लॉन्गर कीवर्ड क्या होता है, ऑल लॉन्गर कीवर्ड का मतलब है कि मैच एनीथिंग, जो भी इससे मैच कर रहा हो, 10.8.10.0/0.0.0.0, ठीक है, इंक्लूडिंग /8। ठीक है, एक मिनट, इसमें ये तो ऑलमोस्ट सेम हो गया ना, फिर तो एग्जैक्ट वाला हो गया ना, इसमें डिफरेंस होता है एक। ओके, इंक्लूडिंग नहीं होता है मे बी ये। ठीक है, इसको चेक कर लेंगे अपन एक बार, अभी चेक कर लेते हैं। मैच एनीथिंग इन द नेटवर्क, इस नेटवर्क से जो भी आ रहा होता है ना, उन सबको मैच करेगा। एक कीवर्ड होता है जी लॉन्गर। लॉन्गर कीवर्ड है, लॉन्गर कीवर्ड में क्या कर सकते हो आप, बिट्स मैच करवा सकते हो, /8/24/32 जो भी है, ये क्या करवा सकते हो मैच। कौन सा कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा आपको, लॉन्गर। तीसरा कीवर्ड है एक अप टू। अप टू में क्या करवा सकते हो, फ्रॉम /8 से लेके /16 तक जितने भी हैं उनको क्या करें, मैच मैच करें या फिर ड्रॉप करें, ऐसे क्या कर सकते हो आप, राउटिंग पॉलिसी बना सकते हो। ठीक है, ये प्रीफिक्स लेंथ की रेंज है, इसको कोई सेंस नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे प्रैक्टिकल पे, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ओके गाइस, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली राउटिंग पॉलिसी की बात कर लेते हैं, राइट। तो इस डायग्राम में कैसे कनेक्टिविटी है, R1 R2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई भी इनके बीच में राउटिंग प्रोटोकॉल अभी तक नहीं चल रहा है। यहाँ से R2 से मैंने इंटरनेट टूवर्ड्स इंटरनेट क्या दे रखा है, एक डिफ़ॉल्ट राउट। ठीक है, जिससे R2 को क्या मिल रही है, एक इंटरनेट की रीचेबिलिटी। अब पॉलिसी क्या बनाने वाले हैं, पॉलिसी ये बनाने वाले हैं कि एक स्टैटिक, एक डिफ़ॉल्ट राउट डाला हुआ है ना, जो 0/0 वाला, ठीक है, टूवर्ड्स इंटरनेट, अभी क्या दिखा रहा है वो आपको, क्या दिखा रहा होगा, स्टैटिक /5। अब मुझे इस रूट को क्या करना है, इस राउट को किस में डालना है, OSPF टेबल में। OSPF की राउटिंग टेबल में मतलब क्या दिखे आपको, आपकी राउटिंग टेबल में क्या दिखना चाहिए, ये कि ये राउट आपका स्टैटिक राउट नहीं है, ये आपका मतलब OSPF के टेबल में इसको इंजेक्ट करवाना है बेसिकली। ठीक है, सेम स्टैटिक राउट तो वही रहेगा बट वाया OSPF। ठीक है, अभी किस में दिखा रहा है आपको, ये जर्नल राउटिंग टेबल में दिखा रहा है। तो आप गए जी यहाँ पे और आप देख सकते हो, R2 में चेक कर सकते हो कि आप चलाओगे कमांड, रन शो राउट। तो जैसे ही रन शो राउट कमांड चलाते हो, आपको क्या दिख रहा है, अभी एक डिफॉल्ट राउट है स्टैटिक। OSPF अभी आपने कॉन्फिगर नहीं किया हुआ है, शो रन शो प्रोटोकॉल OSPF प्रोटोकॉल। देखो
नेबर, ओके। तो आपकी यहाँ पे क्या है, आपकी नेबरशिप बनी हुई है किससे? OSPF की 12.1 से। 12.1 कौन कौन सा है? ये वाला OSPF की नेबरशिप बनी हुई है आपकी, ठीक है। आप किस पे चेक कर रहे हो चीज़? R2 पे दिखा रहा है एड्रेस 12.1, इस इंटरफेस के थ्रू किस स्टेट में है, फुल में है या ID है, ये सब है इसका टाइमर, ठीक है। आपकी OSPF नेबरशिप बनी हुई है, तो ये अच्छी बात है कि आपकी नेबरशिप बनी हुई है इन दोनों डिवाइसेस के बीच में। अब क्या है, OSPF की राउटिंग टेबल देखते हैं। तो OSPF की राउटिंग टेबल कैसे देखो जी आप कैसे देखोगे? रन शो राउट प्रोटोकॉल OSPF एंटर। अभी देखो जी आपको OSPF की राउटिंग टेबल में क्या दिख रहा है? कोई डिफॉल्ट राउट दिखता है? नहीं दिखता, कोई भी कुछ भी नहीं दिखता। और यहीं मैं कमांड चलाता हूँ जी, रन रन शो राउट। ये मेरी ग्लोबल राउटिंग टेबल है जिसमें OSPF नहीं है, मतलब इसमें सारे राउटिंग टेबल सारे राउट्स आ रहे हैं। OSPF का क्या आ रहा है एक, ये क्या है, मल्टीकास्ट एड्रेस, जिससे OSPF की सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। OSPF कौन कौन से यूज़ करता है? 224.0.0.6 और 224.0.0.5 फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ पैकेट्स, जो इसके जो मल्टीकास्ट होते हैं जो पैकेट्स, राइट। अभी बात करते हैं कि स्टैटिक राउट मुझे क्या करना है जी। यहाँ पे स्टैटिक की जगह क्या लिखा हुआ आना चाहिए था? OSPF लिखा हुआ आना चाहिए था। हम एक पॉलिसी बनाएंगे, बनाए पॉलिसी, पॉलिसी बनाते हैं। कमांड्स मैंने ऑलरेडी बता रखी थी, ये री इनको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वाली पॉलिसी तो मैं देखो मैं बनाने नहीं जा रहा, मतलब ये वाली, ये तो इजी है, इफ एंड देन स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ लेकिन बना के, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हमें बेसिकली OSPF के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स लिस्ट बनानी पड़ेगी एक, ठीक है। पॉलिसी का ऑप्शन दिखाता हूँ पहले आपको। तो जी आप टाइप करेंगे एडिट पॉलिसी ऑप्शन स्टेटमेंट, उसके बाद पॉलिसी स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट्स, ठीक है, पॉलिसी ऑप्शन और पॉलिसी स्टेटमेंट्स, यही था। इसमें आ गए क्वेश्चन मार्क, पॉलिसी का नेम पूछ रहा है जी, आप कौन सी पॉलिसी बनाना चाहते हो, यहाँ पर डिफाइन कर दो इसको, ठीक है। जैसे मैंने बताया बनाया कि भाई DF डिफॉल्ट पॉलिसी, ये पॉलिसी का नाम हो गया एंटर, ठीक है। अब आप इस डिफॉल्ट पॉलिसी को आप क्या कैसे एडिट कर सकते हो? क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो क्या ऑप्शन आते हैं जी? वही सारे जो सब आते हैं, सेट टाइप करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको पॉलिसी बनाने के लिए? क्या दिखता है? टर्म बता सकते हो, देन कर सकते हो, ठीक है, तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, टू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, पहले क्या बताना है आपको, इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करना है ना, इफ, तो इसके पास ये कौन सा है, R2, तो इसके पास राउट्स कहाँ से आ रहे हैं जी? R1 से, ठीक है। R1 से कहीं से चेक करोगे जी? शो रन शो राउट, अभी मैं किसी राउट को ब्लॉक करके नहीं दिखा रहा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि राउट इसलिए नहीं आए, राउट आ रहे हैं लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्ट 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 दिखा रहा है। तो आप किसी पर्टिकुलर, जैसे ये 43 आ रहा है, ठीक है, 56 आ रहा है जैसे, ये है ना डायरेक्टली कनेक्टेड, इसको क्या करवा सकते हो आप? डिनाई, मैं आइडिया दे देता हूँ, बाकी आप इजीली बन जाती है पॉलिसी, ठीक है जी। तो पहले इफ स्टेटमेंट बताएंगे, तो इफ के साथ क्या बताएंगे, पहले टर्म बताएंगे कि किससे मैच करवाना है, डिवाइस से नेक्स्ट स्टॉप जो है वो कौन सा है। तो कमांड टाइप करेंगे जी, सेट टर्म क्वेश्चन मार्क, अब टर्म का नेम, मैंने क्या लिखा जी, R1 से आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखो आपको ये काम स्विच पे करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल सिंगल सेंटेंस में डिफाइन,
यही काम आप राउटर पे करोगे तो क्या करना है आपको यार, ये डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता है। अब देखो ये स्टेटमेंट इसी के आगे मांग रहा है फ्रॉम का, ठीक है, बट स्टेटमेंट हमेशा सेम है। फ्रॉम आर वन से आने वाला फ्रॉम, अब फ्रॉम के बाद क्या बता सकते हो आप, मैट्रिक या फिर इंटरफेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। फ्रॉम प्रोटोकॉल, जैसे मान लो मैंने क्या बोला, फ्रॉम प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल क्वेश्चन मार्क लगाओ, OSPF 1, 2, 3, MPLS या फिर L2VPN, BGP, सब कुछ मैच करवा सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ जी OSPF, OSPF क्वेश्चन मार्क, आप क्या पूछ रहे हैं आगे वापस प्रोटोकॉल। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग मेरे को क्या बताना था, फ्रॉम प्रोटोकॉल, और फिर क्या बताना है, फ्रॉम OSPF बता दिया, इसके अलावा क्या करोगे, सेट फ्रॉम नेबर, क्या बता सकते हो आप, नेबर डिफाइन कर सकते हो। अब नेबर तो मेरा है जी 192.168.112.1, ये मेरा क्या है, नेबर। ऐसे करके क्या कर सकते हो आप, बेसिकली नेबर भी डिफाइन कर सकते हो पॉलिसी में, किसी नेबर से आपको क्या करवाना है। अब क्या क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट देन सेट देन क्या करवा रहा हूँ, एक्सेप्ट। तो मैंने क्या बना दी, एक पॉलिसी, कैसे चेक करोगे, शो शो कंपेयर रन शो, सॉरी शो कमेंट चला लोगे तो आपको क्या दिख जाएगा, आपका ये स्टेटमेंट। इससे पहले इसको कर लेते हैं कमिट, फ्रंट शो कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी। तो जी आप जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपकी क्या आ रही है, पॉलिसी जो आपने बनाई थी। पॉलिसी का नाम DF पॉलिसी, कौन से से आर, टर्म इसकी क्या है, R1। अब आपने इस पॉलिसी में क्या करा है, प्रोटोकॉल मैच करवाया है फ्रॉम OSPF, कौन से नेबर से, 12.1 से, देन क्या बताया, एक्सेप्ट। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पॉलिसी डिफाइन। इसके बाद क्या कर सकते थे, इसी के अंदर जा करके R1 टर्म R1 बना रखी है, टर्म R2 बना लो, फिर दूसरी चीज़ जो मैच करवानी है वो करवा लो, किसी प्रोटोकॉल को करवाना है, किसी नेबर को करवाना है, किसी नेटवर्क को करवाना है, सब करवा सकते हो। इस तरह से क्या कर सकते हो आप, एक पॉलिसी डिफाइन। कर लेते हैं स्टार्ट आगे, ठीक है जी। तो हमने अब तक क्या किया था, पॉलिसी बना के देखी थी, पॉलिसी कैसे बनती है, ये पॉलिसी बनाई थी तो ये तो एक्सेप्ट की थी, तो एक्सेप्ट हो ही रहे बाय डिफ़ॉल्ट, आपको सारे राउट एक्सेप्ट हो ही रहे, ठीक है, ओके। एक मिनट, अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं, राउट फिल्टरिंग करते हैं, राउट फिल्टरिंग करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं राउट फिल्टरिंग में, ऐसा काम करने वाले हैं कि जो डिफ़ॉल्ट राउट हमें मिला हुआ है, यहाँ से जो यहाँ पे जो हमने डिफ़ॉल्ट राउट इंजेक्ट किया हुआ है उसको किस में डाल रखा है हमने, स्टैटिक, वो क्या है कि स्टैटिक राउट दिखा रहा होगा, इसको हमें किस में डालना है जी, OSPF में। मतलब ये क्या दिखना चाहिए कि OSPF से एक स्टैटिक राउट मिला हुआ है, ठीक है, मतलब ना कि एक राउटर से।
OSPF स्टैटिक राउट है, मतलब जैसे आप क्या करोगे उस स्टैटिक राउट को OSPF में डालोगे तो इसको क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलना शुरू हो जाएगी। पहले अभी चेक करते हैं क्या अभी है इंटरनेट कनेक्टिविटी। प्रैक्टिकल वैसे यही है, CLI configure नो राउट टू होस्ट, उस डिफॉल्ट राउट को हम कहाँ डालने वाले जी OSPF के टेबल में। अभी चलते हैं हम राउटिंग राउटर टू पे और देखते हैं रन शो राउट OSPF सॉरी प्रोटोकॉल OSPF। OSPF के अंदर अभी कोई भी डिफॉल्ट राउट नहीं है, डिफॉल्ट राउट को इसमें डाल देंगे तो क्या होगा OSPF में एडवर्टाइज होना स्टार्ट हो जाएगा और इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें मिल जाएगी R1 को। ठीक है, कैसे देंगे राउट ये देखते हैं। सबसे पहले जिस भी स्टेटमेंट में हो पॉलिसी में इसको कर लेते हैं एग्जिट और चलते हैं इस पे हमारे नोट पैड पे। ठीक है, अब क्या है सेट पॉलिसी ऑप्शन प्रीफिक्स लिस्ट, सेट पॉलिसी ऑप्शंस प्रीफिक्स लिस्ट क्वेश्चन मार्क। प्रीफिक्स लिस्ट का नाम बताओ कह रहे, मैंने प्रीफिक्स लिस्ट का नाम बताया भाई इंटरनेट क्वेश्चन मार्क। क्या बोल रहे कि प्रीफिक्स बताओ जी कौन सा प्रीफिक्स आपको इसमें डालना है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है एक मिनट, ओके ओके ओके, उसके लिए हमें पॉलिसी बनानी होगी बेसिकली ये वाली कमांड्स। फॉर डिफॉल्ट राउट हमें क्या करना होगा पॉलिसी बनानी होगी, ये तो प्रीफिक्स लिस्ट के फिल्टरिंग है मतलब। ठीक है, तो पॉलिसी बनाते हैं ना कि प्रीफिक्स लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट का फिल्टरिंग है ये तो बेसिकली, है ना। इस तरह से क्या कर सकते हो आप प्रीफिक्स लिस्ट फिल्टरिंग, यहाँ पे चलते हैं राउटर टू पे, प्रीफिक्स लिस्ट का नाम बताया, प्रीफिक्स लिस्ट भी देख लेते हैं चलो आपके साथ ही। राउट फिल्टर्स एग्जैक्ट मैच एग्जैक्टली द सेम एग्जैक्ट के लिए। ठीक है, सो प्रीफिक्स लिस्ट का नाम बताया आपने, एंटर किया, करेंगे सेट क्वेश्चन मार्क। अब कौन कौन से ऑप्शन थे एग्जैक्ट ऑल लॉन्गर और लॉन्गर, प्रीफिक्स एड्रेस बताते हैं जैसे मान लो एक बता देता हूँ मैं कोई भी /8 स्कोप बुक में देख लेंगे यार एक बार कहाँ पे कीवर्ड्स लगाने हैं। फायरवॉल आ रहा है, फायरवॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन आ रहा है, लॉजिकल ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसको देख लेंगे अपने फिक्स लिस्ट को देख लेते हैं एक बार बुक में, इसको नो कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं पहले डिफॉल्ट आउट वाला काम करते हैं पॉलिसी बना के। तो जी यहाँ आ गए नोट पैड पे, सेट पॉलिसी ऑप्शन पॉलिसी हाइफन स्टेटमेंट माय पॉलिसी, पॉलिसी का नाम बताना है, टर्म बतानी है टर्म का नाम, और फ्रॉम किससे आना चाहिए, फ्रॉम कौन से प्रोटोकॉल से आ रहा है स्टैटिक से, ये कमांड चलानी है सबसे पहली। तो करते हैं सेट पॉलिसी ऑप्शंस, पॉलिसी ऑप्शन के बाद में पॉलिसी स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क, क्या बोल रहा है पॉलिसी का नाम बताओ,
एक ऑप्शन और आ रहा है नीचे, आपने जो पहले जो डीएफ पॉलिसी बना रखी थी, क्या इसी को करना है? तो हमें इसको नहीं करना, हमें एक नई पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम रखेंगे जी आई हम इसको मैं रख देता हूँ जी, आपको इंटरनेट देना है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ OSPF INT स्पेस क्वेश्चन मार्क, इसके बाद क्या आता है जी, क्या बताना है आपको? टर्म, टर्म का नाम लिख लेता हूँ इंटरनेट, क्वेश्चन मार्क, क्या बताना है? फ्रॉम, मतलब सोर्स क्या होगा? फ्रॉम, क्वेश्चन मार्क, आ गए इतने सारे ऑप्शन, मैट्रिक OSPF से करना है, क्या सोर्स लेके आना है? स्टैटिक, तो स्टैटिक इसमें है नहीं जी, इसमें जाएगा स्टेट है इसके अंदर, आउट स्टेट, नेक्स्ट हो गया मैट्रिक, हो गया इंटरफेस, फैमिली, फ्रॉम प्रोटोकॉल, सॉरी फ्रॉम के बाद लगाना है प्रोटोकॉल, फिर क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो स्टैटिक आ जाएगा आपको, ये रहा स्टैटिक, ठीक है, ये स्टेटमेंट करके एंटर। नेक्स्ट में क्या करना है? सेम स्टेटमेंट होगा लेकिन आपको क्या करना है जी, आपको क्या बताना है? फ्रॉम राउट फिल्टर 0/0 एग्जैक्ट, यहाँ पे जाके आप मैच करवाओगे, फ्रॉम क्या सेलेक्ट करेंगे? राउट फिल्टरिंग करवा रहे हैं हम, राउट फिल्टर, यहाँ पे आ गए आपके सारे कीवर्ड जो मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ, एग्जैक्ट आ गया, लॉन्गर आ गया, और लॉन्गर आ गया, प्रीफिक्स लेंथ रेंज डिफाइन कर सकते हो, थ्रू और अप टू भी है यहाँ पे, एग्जैक्टली मैच द सेम प्रीफिक्स लेंथ, लॉन्गर में क्या बोलता है? मास्क इज ग्रेटर देन द प्रीफिक्स लेंथ, ठीक है, ग्रेटर देन होता है किससे? प्रीफिक्स लेंथ से, तो होगा तो लॉन्गर कीवर्ड यूज़ करो, हमें क्या मैच करवाना है? एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट मैच करवाना है हमें, तो हम सेलेक्ट करेंगे जी इस वाले स्टेटमेंट में राउट फिल्टर लिख के 0/0/0 करेंगे और एग्जैक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ऑटो पे आ गए, तो एड्रेस का भी ऑप्शन आता है, आप या तो 0/0 लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ऑप्शन है, ठीक है, अब क्या लिखना है आपको? क्वेश्चन मार्क लगा के क्या करना है? एग्जैक्ट मैच करना है, क्योंकि ये एक एक राउट हमें लेके आना है, तो एग्जैक्ट मैच कर लेते हैं और एंटर। सेकंड परफॉर्म हो गया, थर्ड क्या करना है? इफ़ स्टेटमेंट बता दिया आपने, ये दोनों इफ, इफ इफ के बाद मैंने बताया जी आपका, चलो कॉन्फ़िगरेशन में देख लेंगे, फिर फॉर्म बताया, देन एक्सेप्ट कर लेते हैं बस, फॉर्म को हटा के देन एक्सेप्ट एंटर, एक्सेप्ट क्या देखो क्या ऑप्शन आ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं जी, रिजेक्ट आ रहा है, मॉडिफाई नहीं आ रहा, मॉडिफाई तो क्या आप बताओगे वो हो जाएगा, मॉडिफाई मतलब मैट्रिक आप डाल दो 2, 3, 4 तो नेक्स्ट आप बता दो, ये क्या होता है? मॉडिफिकेशन। इस तरह से आप क्या कर सकते हो जी, एक पॉलिसी बना सकते हो, आप कमांड चलाते हैं रन शोर आउट, रन शोर आउट जैसे ही चलाया तो पहले तो आपको दिख रहा है ये स्टैटिक में, क्योंकि आपने अभी तक क्या किया है? कमिट नहीं किया, कर दिया कमिट, रन शोर आउट अभी भी स्टैटिक में ही दिखा रहा है आपको, you
एसपीएफ राउटिंग टेबल में ये राउट इंजेक्ट ही नहीं होगा। चलो देखो, मेन चीज़ तो मेरे को कंसेप्ट समझाने का था, और ये वाला था इसका यार, देख लेते हैं, नहीं तो कल की क्लास में एक लेकर के प्रैक्टिकल कर लेंगे इसको। OSPF जहाँ ये जो स्टैटिक राउट गया है, या तो इसको इस डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करना था हमें, जो स्टैटिक राउट हमें मिलता उसको हम किस में इंजेक्ट करवा देते OSPF में, जिससे कि इस वाले डिवाइस को बनने लग जाता, शायद ये हो सकता है कंसेप्ट। ठीक है, फिलहाल देखो मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, मेरे को बेस जो था आपका कंसेप्ट को क्लियर करना था, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन कमांड्स के थ्रू। ठीक है, ये फाइल में मैं शेयर कर देता हूँ। अभी चलते हैं फायरवॉल फिल्टर पे, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मच टाइम ऑन दिस राउटिंग पॉलिसी। ठीक है, इसके अलावा ये सारे कीवर्ड एक्सप्लेन किए हुए हैं, एग्जैक्ट और लॉन्गर। ठीक है, प्रीफिक्स लेंथ, रेंज बता सकते हो, सारी चीज़ इसमें बता रखी है। राउटिंग पॉलिसी जो सेक्शन है इसमें, इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है टर्मिनेटिंग ऑप्शन बता रखे हैं, टर्मिनेट करने के, एक्सेप्ट रिजेक्ट, टर्म बता सकते हो, पॉलिसी बता सकते हो, सारी चीज़ें इसमें इस चैप्टर में डिफाइन करी हुई हैं। फिलहाल मैं मूव कर रहा हूँ उस पर, ये देखो ये लिखा हुआ है, एडवर्टाइज द डिफॉल्ट स्टैटिक राउट डिफाइंड ऑन R1 इनटू OSPF यूजिंग राउटिंग पॉलिसी। तो हमने राउटिंग पॉलिसी बना के यही किया था प्रैक्टिकल, बट ड्यू टू सम रीज़न ये हो नहीं पा रहा है, तो इसको आप कर सकते हो इससे भी। ठीक है, इस बुक से। फिलहाल हमारे पास क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, इसलिए हम मूव कर रहे हैं फायरवॉल फिल्टर्स पे। ये सेम प्रैक्टिकल यहाँ पे दे रखा है विद सॉल्यूशन, आराम से हो जाएगा। ये तो मैंने देखा ही नहीं था, फायरवॉल फिल्टर शुरू कर लेते हैं हम। तो फायरवॉल फिल्टर्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अदर वेंडर्स में फायरवॉल फिल्टर्स को क्या बोलते हैं, ACL। द जूनोज फायरवॉल फिल्टर्स आर स्टेटलेस इन नेचर एंड द सॉफ्टवेयर प्राइमरीली यूजेस देम टू कंट्रोल ट्रैफिक पासिंग थ्रू जूनोज डिवाइस। सेम फंडा है, ACL वाला, नेटवर्क ब्लॉक कर लो, IP ब्लॉक कर लो, कोई पर्टिकुलर IP ब्लॉक कर लो, या फिर कोई पोर्ट ब्लॉक कर लो। ठीक है, तो फायरवॉल फिल्टर में भी क्या फंडा है, देखो जी वही टर्म वाला फंडा है, क्या डिफाइन करनी पड़ती है यहाँ पे आपको, टर्म सेम फंडा है जैसे पॉलिसी बनाई थी, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। अभी चलते हैं आगे, कॉमन मैच क्राइटेरिया। राउटिंग पॉलिसी एंड फायरवॉल फिल्टर्स सर्व डिफरेंट पर्पसेस एंड हैव डिफरेंट मैच एंड एक्शन कंडीशन, दे बोथ हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, जैसे पॉलिसी बनाई थी वैसे ही ये बनेगी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आपकी या फिर फायरवॉल फिल्टर लिस्ट। ठीक है, एज विथ राउटिंग पॉलिसी द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑन अ फायरवॉल फिल्टर इज द टर्म, टर्म कंटेन्स जीरो और मोर मैचेस कंडीशन। ठीक है, टर्म के अंदर क्या कंटेन होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं सब बता चुका हूँ आपको अच्छे से, बेस था आपका राउटिंग पॉलिसी, ये आपका क्विकली बन जाएगा। कॉमन मैच क्राइटेरिया,
सॉरी। तो देखो कॉमन मैच क्राइटेरिया में क्या बता रहा है, या तो आप कोई आईपी मैच करवा सकते हो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को, या फिर कोई TCP/IP प्रोटोकॉल हो जिसका पोर्ट नंबर हो उसको मैच करवा सकते हो, या फिर कोई टेलनेट है, टेलनेट का बेसिकली क्या मैच करवाओगे, पोर्ट नंबर एक्सेप्ट और डिनाई करने के लिए, वही बता रहा है। वही सेम स्टेटमेंट फ्रॉम देन, सेम चीज़ें सारी, कोई डिफरेंस नहीं। कॉमन एक्शन क्या क्या कर सकते हो आप, एक्सेप्ट, डिस्कार्ड या फिर रिजेक्ट, तीन चीज़ें कर सकते हो फायरवॉल फिल्टर लगा के। फ्लो कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो कि काउंट करना है कि कितने हिट काउंट हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप काउंट कर सकते हो। इस ACL पे कितने, इस फिल्टर पे कितने हिट काउंट हुए। फॉरवर्डिंग क्लासेस एंड लॉस प्रायोरिटी पॉलिसी, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आराम से आप पढ़ सकते हो बहुत इजीली। मैं इन चीज़ों को नहीं करने वाला, मेन चीज़ें मैं उसको कवर करता हूँ। तो सब ये देख लेते हैं कि डिफाइनिंग अ फायरवॉल फिल्टर, फायरवॉल फिल्टर आप किस तरह से लगाते हो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो जी फायरवॉल फिल्टर कैसे लगाना है। एडिट फायरवॉल फैमिली में जाओगे, कौन सी फैमिली आपकी, आईनेट, इसके बाद चलाते हैं शो कमांड। एक फायरवॉल फिल्टर लगा हुआ है इसमें, टर्म क्या दे रखी है, पहले तो क्या बताया आपने टर्म, फिर क्या बताया जी फ्रॉम, फिर क्या बताया सोर्स, ठीक है सोर्स बताया, फिर आपने बताया देन क्या करना है, काउंटिंग करनी है, क्या काउंटिंग करनी है, स्पूफ इन, और फिर नीचे क्या बता दिया, डिस्कार्ड करना है। इस तरह से क्या कर सकते हो आप एक फायरवॉल फिल्टर को डिफाइन। वर्कबुक से प्रैक्टिकल करेंगे इसका फायरवॉल फिल्टर का, तो और अच्छे समझ में आएगा। बुक को देख रहे हैं जस्ट एक बार, या स्पूफिंग मतलब स्वैप, मतलब 10.1 लगा के आ रहा है तो उसको स्पूफ करके कर दो 20.1। और नीचे क्या लिख रहा है, इफ डिस्कार्ड इज नॉट प्रेजेंट देन पैकेट्स आर एक्सेप्टेड, अगर डिस्कार्ड नहीं बताओगे नीचे तो पैकेट एक्सेप्ट हो जाएंगे। या फिर देखो नीचे एक और टर्म दे रखी है, एक्सेप्ट अदर्स, मतलब ये मैच हो जाए तो क्या हो जाए, डिस्कार्ड, और देन जैसे होता था ना परमिट एनी, ये वो वाला स्टेटमेंट है, टर्म एक्सेप्ट अदर्स, ये दे देना एंड में, ताकि ये मैच हो जाए और ड्रॉप हो जाए, बाकी सारे एक्सेप्ट हो जाए। सेम फंडा है, बिल्कुल सेम, नथिंग डिफरेंट। अब देखो फिल्टरिंग ट्रैफिक और इंटरफेस पे ट्रैफिक को फिल्टर करवाने के लिए, तो देखो जी आपका ये राउटर है, इन हो रहे हैं कुछ राउट्स आउट हो रहे हैं, और यहाँ से भी इन हो रहे हैं और यहाँ से भी आउट हो रहे हैं। तो क्या कर सकते हो आप, इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, यूनिट जीरो फैमिली आईनेट, कमांड टाइप करोगे फिल्टर, फिल्टर कमांड के बाद क्या बताओगे, इनपुट फिल्टर इन, ये क्या है, इंटरफेस पे कॉल करने की कमांड। आप कोई भी इंटरफेस पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो आपकी किसको, जो आपने फायरवॉल फिल्टर बनाया है उसको, करके देखेंगे प्रैक्टिकल जब और अच्छे समझ में आएगा। इनपुट फिल्टर इन और आउटपुट फिल्टर आउट, द सॉफ्टवेयर अप्लाइज फायरवॉल फिल्टर यूजिंग इनपुट एंड आउटपुट, सेम वही है जैसे उसमें कंसेप्ट था हमारा, या तो आप इन डायरेक्शन में लगा सकते थे फायरवॉल फिल्टर को ACL को, या फिर आप आउटबाउंड में लगा सकते थे, बट यहाँ पे वही है, बट कमांड क्या है, इनपुट ये है फिल्टर इन, आउटपुट फिल्टर आउट, सेम कमांड है, नथिंग डिफरेंट, कमांड डिफरेंट है बस, ठीक है। टू अवॉइड लेट नाइट ड्राइव बैक रोड द ऑफिस यूज कमिट,
यह है HTTP ट्रैफिक अलाउ करने के लिए, कुछ भी नहीं होगा, एक पोर्ट नंबर डिफाइन करना है। तो एक क्या करा है इसने, एक नया फिल्टर बनाया, फिल्टर वेब सर्वर के नाम से बना दिया। टर्म बताई अलाउ वेब ट्रैफिक, फिर क्या बताओगे, फ्रॉम डेस्टिनेशन एड्रेस बताओगे, किस डेस्टिनेशन से आ रहा है, इससे आ रहा है जी। प्रोटोकॉल TCP, पोर्ट नंबर मैच करवा सकते हो यहाँ पे, पोर्ट लिख के क्या बता सकते हो, HTTP या TCP है, ठीक है। देन एक्सेप्ट, फिर एक टर्म डिनाई अदर वेब ट्रैफिक, सिर्फ ये वाला ट्रैफिक एक्सेप्ट हो और ये वाले ट्रैफिक बाकी सारे डिनाई हो। कर लेते हैं इसको साथ साथ प्रैक्टिकल, अच्छा प्रैक्टिकल है, ईजी है। चलते हैं हमारे डिवाइस पे और इसको करते हैं वाइप। जब तक ये वाइप होके रीस्टार्ट होता है एक बार, क्योंकि हमने इस पे क्या बना रखी थी जी, पॉलिसीज हमारी जाएगी, पॉलिसी रिमूव। नेटवर्क पे काम करेंगे सारा, लूपबैक बना के देखते हैं इसमें एक बार। एडिट इंटरफेस इज लूपबैक 0, लूपबैक 0 बनाया, उसके बाद आप बनाओगे यूनिट 0, फैमिली आईनेट, एंटर। लूपबैक 0 का एड्रेस दे देता हूँ एक, सेट एड्रेस क्या दिया मैंने, एड्रेस 1.1.1.1। किस पे बना रहा हूँ मैं, R1 पे एक लूप बैक एडेप्टर बना रहा हूँ 1.1.1 पे। कमिट, सॉरी यस, रन शो इंटरफेस चला लेते हैं। तो आपके पास एक लूप बैक बन जाना चाहिए अभी यहाँ पे, लूप बैक 0, ये रहा 1.1.1.1, एक लूप बैक बना हुआ है। अब देखो जी क्या करने वाले हैं हम, वो फिल्टर का प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। ये आपकी लैब है, यहाँ पे एक लूप बैक बना हुआ है 1.1.1.1 का, इस राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे हम एक लगाएंगे फायरवॉल फिल्टर और उसको बताएंगे कि भैया कोई भी सोर्स लेकर के आए पैकेट, कोई भी किसी कोई भी सोर्स लेकर आए जिसका एड्रेस हो 1.1.1, मतलब इस सोर्स से पैकेट आएगा तो क्या करना है, डिनाय। ये फायरवॉल फिल्टर हम किस पे लगाएंगे, बनाएंगे इस राउटर पे R2 पे और अप्लाई करेंगे इसी पे, यहाँ पे इस इंटरफेस, ठीक है। ये बनाते हैं कि अगर 1.1 से आएगा
तो क्या होगा, पैकेट ड्रॉप। और अगर इस इंटरफेस का सोर्स बना के आएगा तो क्या होगा, परमिट। ये फायरवॉल ऑपरेटर का प्रैक्टिकल करते हैं। तो एक बार राउटर टू हमारा जब तक बूट हो जाता है, पॉज कर लेते हैं जब तक टाइम लगेगा। राउटर स्टार्ट हो गया हमारा, राउटर टू। सबसे पहले CLI कॉन्फिगर, एडिट सिस्टम्स, सेट होस्ट नेम R2 VMX, कमेंट। कमेंट कर देते हैं इसको होस्ट नेम चेंज करके। लॉजिकल सिस्टम ठीक है जी। अब क्या करना है मेरे को, सबसे पहला काम करता हूँ, R2 को मैंने वाइप कर दिया था, तो गिग 0x0 को मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, 12.2 IP दे देता हूँ इसको। ठीक है, तो लिखेंगे एडिट इंटरफेस गिग 0/0/0 यूनिट 0 फैमिली INET सेट एड्रेस 192.168.12.2/24 कमिट। IP एड्रेस दे दिया मैंने, रन पिंग 192.ping कर पा रहा हूँ 1.12.1 को। ठीक है, इंटरफेस मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, अभी देखो हम जाते हैं किस पे, R1 पे। लूप बैक बना रखा है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे। मैं करता हूँ रन पिंग 192.168.12.2 को पिंग कर रहा हूँ, हो रहा है। अब क्या करता हूँ, सोर्स लगाता हूँ, सोर्स लगाया मैंने 1.1.1.1, लूप बैक से पिंग हो रहा है, लूप बैक एज ए सोर्स जाएगा। तो चलो छोड़ो, हम 12.2 को ही डिनाई कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि चल नहीं रहा है इसमें, है ना। तो हमें क्या करना है, अभी हम पिंग कर पा रहे हैं 12.2 को, किससे, राउटर 1 से। तो ऐसा करते हैं, राउटर 1 को ही डिनाई कर देते हैं, 12.1 को डिनाई कर देते हैं कि 12.2 को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। फायरवॉल फिल्टर बनाए। क्या करना है, एडिट फायरवॉल फैमिली INET
8 रुपये होगा काम, 8 रुपये आ गए। एडिट फायरवॉल फैमिली, आईनेट, ठीक है। इसके बाद क्या बताना है आपको, इसको साथ में कर लेते हैं। इसके बाद आप क्या बताओगे जी, अभी शो कमांड चलाओगे तो आपको कुछ दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। फायरवॉल सेट, फायरवॉल फिल्टर, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। सेट ऑप्शन है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क क्या बोल रहा है, सिंपल फिल्टर का ऑप्शन है देखो, या फिर क्या है ऑप्शन फिल्टर का। तो सेट फिल्टर क्वेश्चन मार्क, फिल्टर का नेम बताओ, कौन सा फिल्टर का नेम बताना है। तो मैं इसका फिल्टर का नेम बता देता हूँ भाई, डिनाय R1 फिल्टर का नाम। क्वेश्चन मार्क क्या बताना है आपको, टर्म टर्म बताइए। क्वेश्चन मार्क रूल का नेम बताओ जो रूल बनाना चाहते हो। डिनाय R1, तो मैं इसको कर देता हूँ, टर्म का नाम लगता हूँ R1। क्वेश्चन मार्क क्या बताना है मेरे को अब, स्टेटमेंट फ्रॉम, फ्रॉम के बाद क्या बताना है, सोर्स बताना है, डेस्टिनेशन बताना है, सोर्स बताना है, सब कुछ बता सकते हो। इंटरफेस बताना है, ACMP करना है, सोर्स क्लास, क्लास मैप और पोर्ट और सब कुछ बता सकते हो यहाँ पे। सोर्स एड्रेस कौन सा है, 12.1 से आएगा तो /24। क्वेश्चन मार्क अब क्या बोल रहा है, सोर्स एड्रेस बताने के बाद देन बताना है आपको। अभी तक मैंने क्या बताया, सिर्फ सोर्स एड्रेस बताया। अब फ्रॉम R1, अब फ्रॉम को हटा के लगाते हैं देन, देन क्या बताऊं, डिस्कार्ड बन गया, फिल्टर बन गया, डिस्कार्ड बता दिया इसको, देन डिस्कार्ड करना है R1 से अगर आता है तो। पहले बताया R1 सोर्स एड्रेस ये, फिर क्या, देन डिस्कार्ड, सिंपल। करते हैं अगला काम कमिट का, और क्या करते हैं, ये तो हमने बता दिया। अब इंटरफेस पे कॉल करना पड़ेगा ना आपको, ये जो बनाया है आपने, इंटरफेस पे कॉल करना पड़ेगा इस फिल्टर को, जो फिल्टर आपने बनाया है यहाँ पे। ये एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे नेटवर्क बताना था, तो ऐसा करेंगे, जो हमारा पुराना स्टेटमेंट है .1 वाला, इसको कर दो जी डिलीट। यहाँ जाओ, सेट को हटा के लिखो जी एंटर, ताकि प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा हमें एक चीज़ और बतानी थी, टर्म एक्सेप्ट अदर, ये नहीं बताया हमने, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक टर्म और बनाते हैं, एक्सेप्ट ऑल के नाम से, और स्टेटमेंट देते हैं आगे, एक्सेप्ट ऑल देन एक्सेप्ट।
सॉरी एक मिनट इसको रखते हैं। स्टेटमेंट नॉट फाउंड, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है इसको। इसमें देन डिस्कार्ड लिखा हुआ है। बनानी है मुझे परमिट के नाम से क्वेश्चन मार्क देन ये एरर आ रहा है कि स्टेटमेंट नॉट फाउंड। आई डोंट नो कि क्यों आ रहा है। बेसिकली हम क्या कर रहे थे, इसको 192.168.12.1 को करेंगे डिनाय जो ऊपर दे रखा था, ठीक है, और बाकी सबको परमिट करना था। तो ये तो हमारा हो चुका है डिस्कार्ड, ठीक है। नीचे एक स्टेटमेंट और डालना था, टर्म एक्सेप्ट अदर देन स्टेटमेंट, ठीक है, जो हम नहीं कर पा रहे। चलो फिलहाल ऐसा अपना आगे चलते हैं इसको लेके, इस एरर को देखा जाएगा आगे। ये हो गया, अब इंटरफेस पे कॉल कर लेते हैं इसको जो हमने ये बनाया है, ठीक है। तो करेंगे एग्जिट, इंटरफेस देखते हैं कौन सा है, 1x0x0 और जाएंगे R2 पे, करते मिनिमाइज और R2 पे जाते हैं और क्या लिखते हैं जी, एडिट इंटरफेस 0x0x0 यूनिट 0 फैमिली INET एंटर सेट फिल्टर इनपुट इनपुट के बाद देखो ऑप्शन आ रहा है क्या, डिनाई, एक ही फिल्टर बना रखा है आपने जो लिखा हुआ आ रहा है। डी लिख के टैब मारोगे आ गया क्वेश्चन मार्क, फिल्टर का नाम बता दिया, सेट फिल्टर इनपुट और वो फिल्टर का नाम कैसे लगाया आपने, इन डायरेक्शन में लगाया है इस इंटरफेस पे, 1x0x0 पे इन डायरेक्शन में ये फिल्टर लगा रखा है आपने, ठीक है। फिल्टर का नाम क्या है, R1, ठीक है, शो कर लेते हैं। शो कर रहे हो तो क्या दिख रहा है, एक फिल्टर लगा रखा है अपने इन डायरेक्शन में डिनाई R1 नाम का। इसका इंटरफेस का IP क्या है, ये कमिट हो गया, R1 पे जाके पिंग करें। नहीं हो ना, इसका मतलब हमने फिल्टर सही बनाया है। यहाँ पे आप क्या कर पा रहे थे जी, पिंग कर पा रहे थे 12.2 के, ये फिल्टर बनाने के बाद में आप पिंग कर पा रहे हो, किसी तरह का स्टेटमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा। स्टेटमेंट कैसे बनाया देख लो, रन शो कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा फिल्टर, फायरवॉल ऑप्शन में गए, फिल्टर INET, ये है फिल्टर का नेम, टर्म बताई R1, सोर्स बताया फ्रॉम, सोर्स क्या था 12.0, देन क्या बताया डिस्कार्ड, अब नीचे एक और बताना था देन परमिट ऑल,
नहीं यार, राउटर का नाम नहीं है, आप अपने टर्म बना रहे हो ना, जो भी जैसे मैंने बताया था, एक फिल्टर के अंदर ना आप टर्म बता सकते हो, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, ऐसे डिफाइन कर सकते हो जितनी मर्जी उतनी, एक एक फिल्टर के अंदर वही है नाम है सिर्फ एक, जस्ट टू आइडेंटिफाई। हाँ ठीक है, तो देन डिस्कार्ड हो गया एक, बाकी नीचे लगा सकते थे देन परमिट ऑल ऐसे। तो ऐसे करके यार आप फायरवॉल फिल्टर लगा सक ये बना सकते हो। देन इसको कहाँ कॉल करना है आपको, इंटरफेस पे, ये गिग 0/0 है, गिग 0/0 इंटरफेस है, इस पे क्या कर रखा है आपने, एक फिल्टर कॉल किया हुआ है डिनाई R1 नाम का। ठीक है जी, प्रैक्टिकल डन, इस फिल्टर को हटाएं अब इंटरफेस से जाके, कैसे हटाएंगे देखो, इंटरफेस के अंदर ही कॉन्फ़िगरेशन में हो आप, तो ये लगा रखा था सेट फिल्टर इनपुट डिनाई वाला, इसको कर दो डिलीट और कर दो कमेंट। इन स्टार्ट हो गया, तो इस तरह से भाई आप फिल्टर लगा सकते हो जूनिपर में। सेट करते ही बंद हो गया, नहीं हुआ कमेंट कर दो, अब हो जाएगा बंद। क्लियर है, पोर्ट नंबर का देखें क्या, पोर्ट नंबर में देखो कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट सारे वही के वही हैं, डेस्टिनेशन सोर्स बता दोगे, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें क्या बता सकते हो, किसी प्रोटोकॉल को मैच करवा सकते हो या फिर पोर्ट नंबर को। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आप खुद करके देखें, ये वाला इजी है, बस कुछ नहीं करना है, प्रोटोकॉल बता देना, TCP पोर्ट नंबर 22, TCP पोर्ट नंबर 23, बस ये बताना है। ठीक है, सिनेरियो आप खुद बनाओ और इसको कर लो, इजी है, बस ये मैच करवा दो। तो फायरवॉल फिल्टर का सिर्फ इसमें इतना ही कंसेप्ट है। SSH एक्सेस ब्लॉक करने के लिए बना रखा है, SSH रिजेक्ट करवाना है तो क्या मैच करवाया है इसने फायरवॉल फिल्टर में, TCP और SSH, सिर्फ एक नया स्टेटमेंट ये ऐड किया है, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है जो हमने करी। देन एक्सेप्ट कर सकते हो, देन डिस्कार्ड कर सकते हो, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट चूज़ कर लो। तो ये फायरवॉल फिल्टर का फंडा है जी आपका। ठीक है, थोड़ा ही थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको आप अपना सेल्फ कवर कर सकते हो, जनरल चीज़ें हैं, मेन जो कंसेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया आपको, जहाँ पे डाउट होता है सबको। क्लास ऑफ सर्विस में है क्या, इसमें नहीं है क्लास ऑफ सर्विस, ऐसा करते हैं। अब बच रहा है हमारा कौन सा, एक तो मेरे को करवाना है JWeb,